उत्तर प्रदेश के उमेश पाल मर्डर केस के बाद प्रयागराज में हुए दो एनकाउंटर पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आशंका जताते हुए कहा कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की कई पुलिस कार्रवाई जो जनता के सामने आई है उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। मायावती ने आगे लिखा, वैसे पुराने राज्यपाल हत्याकांड की गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर यूपी सरकार खासकर कानून व्यवस्था को लेकर काफी तनाव और दबाव में है, किंतु पूरा देश देख रहा है कि क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराध रोकेगी। सपा ने भी अतीक अहमद को लेकर जताई थी चिंता। उल्लेखनीय है कि विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। आलोचनाओं से घिरी पुलिस ने इसके बाद दो एनकाउंटर में आरोपियों अरबाज और उस्मान को मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस एक बार फिर आलोचनाओं के केंद्र में आ गई। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। अतीक के दो बेटों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह में रखा है। इस पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि अतीक के बेटों को भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है।